आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मेरे बात मानिए हुजूर, आपकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमारे सिपाही भी थकने लगे हैं, यूनान लौट चलते हैं। सपने जिंदगी रहने से पूरे होते हैं, जिंदगी सपने से नहीं चलती। सेहत से बड़ा कुछ नहीं होता हुजूर, सेहत सलामत रही तो इस मुल्क को फिर से जीत लेंगे। सच कहा, मैं ही वो पहले विदेशी हूँ जिसने इस मुल्क की सरहद को पार किया। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, आने की इजाजत है। आ जाओ। क्या हुआ? ये वही गद्दार है जो हमारे सिपाहियों को भड़का रहा था, इसीलिए पकड़ कर लाए हैं इसे। ये मजाक, सिकंदर जिसकी बाउज में कोई फूट नहीं डर सका, उसे थोड़ने की कोशिश को अंजाम दिया तुमने। बताओ ऐसी जूरा चुकी, हमने तुझे अपनी पाउच में जगह दी, रोजी रोटी दी, और तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद खाने की हिम्मत की। ये हाथ देख रहे हैं आप, ये वही हाथ हैं जो वो रोटी बनाते हैं जिसे आप खाते हैं। यदि इनमें तलवार सौंप दी जाए तो ये युद्ध भूमि में शत्रु का लहू बहाना भी जानते हैं। ये तो आपकी दृष्टि में तलवार केवल एक यवन सैनिक ही पकड़ सकता है, आपकी दृष्टि में यवन ही एक असल योद्धा है, हम नहीं। बर्तन माँजने को, रोटी पकाने को नीच काम समझते हैं और वो नीच काम हम भारतीयों से कराते हैं। तात्पर्य, आप हम भारतीयों को नीच समझते हैं। ये जानकर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, क्योंकि हम एक सैनिक हैं, युद्ध करना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, इसीलिए हम आपकी सेना में भर्ती हुए। यदि हमें अवसर मिलेगा तो हम दिखा सकते हैं कि कितना बल है, हमें दिखा सकते हैं कि भारतीय माटी में कितना बल है, किंतु हमें वो अवसर नहीं मिलता है, इसीलिए हमें वो विरोध जगा। अच्छा, क्यों एक एक करके यूनान के झंडे के नीचे आ रहे हो तुम लोग? क्योंकि कमी है तो एक ऐसे राजा की जिस भारतीय माटी को अपनी माँ माने, उसकी प्रजा को अपनी संतान, और जिस दिन ऐसा राजा सिंहासन पर बैठ जाएगा उस दिन एक अकेला भारत ही अब सबको खदेड़ बाहर निकालेगा। उस दिन आप तमाम भारतीयों के सामने सर झुकाकर दया की भीख मांगेंगे। बस बहुत हुआ, सिकंदर के सामने जो दीवार खड़ी हुई वो गिरा दी गई, जो जुबान होती खामोश कर दी गई। तुम्हारी जुबान भी खामोश करने का वक्त आ गए है। कल की शाम नहीं देख पाना चाहिए ये बरसात, खतना कर लो इसका। कौन है वहां? तुम? मैं हूं हेलेना। तुम यहां क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुम्हें बचाने आई हूं। क्या चाहते हो? मरना चाहते हो? मैं चली जाती हूं यहां से। भागना नहीं सीखा है, भागने से अच्छा तो मर जाना है यहां। क्या तुम समझते क्या हो खुद को? भूल गई तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें क्या सिखाया? समझदार वही होता है जो मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ, समझे? इसीलिए अब चुपचाप वही करो जैसा मैं कहती हूँ। अब बिल्कुल शांत रहना और ये यहाँ से निकल जाना। क्यों कर रही है तुम ऐसा? क्यों अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है? मैंने तुम्हारे राजा का अपमान किया, तुम्हारी सेना में फूट डालने की कोशिश की, तब भी तुम्हारी सहायता करना चाहती हो, क्यों? हाँ, हर एक चीज की कीमत होती है और तुम्हारी जान बचाने की कीमत क्या है ये वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। जान तो मैंने भी तुम्हारी बचाई थी। याद है
लेकिन अभी वो हिसाब पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हें यूनान की युद्ध कला सिखाई है और उसका उसका एहसान तुमने अब तक मुझे नहीं चुकाया। तो ये समझ लो कि इस गुरु की गुरु दक्षिणा अभी बाकी है। जाओ, जाओ। अद्भुत हो तुम। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी स्त्री नहीं देखी जितनी समझदार और इतनी साहसी है। एक औरत हूँ इसीलिए बहादुर हूँ। अगर एक मर्द होती तो धोखेबाज होती उस भले गेतु की तरह, पर बोली और बेवकूफ होती तुम्हारी तरह। इसलिए औरत को कभी कम मत आंकना, क्योंकि जब एक औरत किसी के दिल पर हुकूमत करती है तो वो उसकी सोच पर काबू पा सकती है, और जब वो किसी के दिमाग पर हुकूमत करती है तो वो उस पर काबू पा सकती है। समझे? जाओ यहाँ से, शोर मत करना। इस खेमे के बाहर तुम्हारे लिए एक घोड़ा तैयार है जो तुम्हें यहाँ से बाहर जाने में मदद कर सकता है। कहाँ चला गए मुझे बताना ही पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।